दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे गैलेक्सी F23 5G एंड गैलेक्सी F14 5G के बीच एक फुल कंपैरिजन। अगर सबसे पहले दोनों फ़ोन की डिज़ाइन की बात करें तो गैलेक्सी F14 5G में आपको कोई नया डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। F14 5G ऐसा लगता है कि कोई ओल्ड मॉडल को ही सैमसंग ने यहाँ पर रीब्रांड करके मार्केट में उतार दिया है। अगर F23 5G की यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर डिज़ाइन F14 5G की तुलना में अच्छा देखने को मिलता है। कैमरा डिज़ाइन की बात की जाए तो F14 5G में आपको कुछ ओल्ड मॉडल जैसा ही कैमरा डिज़ाइन देखने को मिलता है, जबकि F23 5G में एक बेहतर कैमरा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोनों फ़ोन की वेट एंड थिकनेस की तो गैलेक्सी F23 5G में आपको 198 ग्राम का वेट एंड 8.4 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, तो वहीं गैलेक्सी F14 5G में आपको 202 ग्राम का वेट एंड 9.4 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्लिमनेस के मामले में गैलेक्सी F23 5G आपको अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें दोनों फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों दोनों फ़ोन हालांकि प्लास्टिक से ही बने हुए हैं, लेकिन आपको F23 5G की बिल्ड जो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जब आप इसको इन हैंड यूज़ करोगे तब आप ऐसा फील करोगे। अब दोस्तों दोनों फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों फ़ोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी। F14 5G में आपको PLS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, तो वहीं F23 5G में आपको TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी। F14 5G में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो वहीं F23 5G में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात की जाए तो दोनों फ़ोन में लगभग आपको सिमिलर कलर्स देखने को मिलेंगे। जब आप दोनों फ़ोन की डिस्प्ले पर देखोगे तब आपको दोनों फ़ोन में बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर से कलर ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर स्मूथनेस की बात की जाए तो वह आपको थोड़ा सा बेहतर F23 5G की डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस आपको दोनों फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी में देखने को नहीं मिलता है, बस रिफ्रेश रेट का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों फ़ोन के अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो गैलेक्सी F14 5G में आपको लेटेस्ट एक्सिनोस 1330 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। यहाँ पर आपको माली G68 GPU मिल जाता है। वहीं बात करें गैलेक्सी F23 5G की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 750G ऑक्टाकोर CPU मिलता है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के लिए एड्रिनो 619 GPU मिल जाता है। दोनों फ़ोन लेटेस्ट OS Android 13 पर रन करते हैं। तो दोस्तों दोनों फ़ोन में जो हार्डवेयर मिलता है इसमें से आपको गैलेक्सी F14 5G का हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको F14 5G में जो स्पीड परफॉर्मेंस है वह गैलेक्सी F23 5G से आपको फास्ट देखने को मिलेगी। वैसे मैंने इन दोनों फ़ोन का अपने चैनल पर स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी डाला है, आप वहां से भी इन दोनों फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अब दोस्तों दोनों फ़ोन के अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो गैलेक्सी F14 5G के रेयर पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि F1.8 अपर्चर के साथ आता है। वहीं यहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। रेयर पर आपको LED फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। गैलेक्सी F14 5G के फ्रंट पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं बात करें गैलेक्सी F23 5G की तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रावाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको LED फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके फ्रंट पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं बात करें दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स की तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी F23 5G में आप यहां से अल्ट्रावाइड लेंस को चेंज कर सकते हो, जबकि F14 5G में आपको कोई भी अल्ट्रावाइड लेंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। मोड में जाकर आपको गैलेक्सी F23 5G में कई सारे एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं, जबकि F14 5G में आपको प्रो पनोरमा फूड और नाइट मोड का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि F23 5G में आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, हाइपर लैप्स वीडियो के अलावा और भी कई कैमरा मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि F14 5G में देखने को नहीं मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो गैलेक्सी F23 5G से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं गैलेक्सी F14 5G से आप केवल फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे दोनों फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब चलते हैं दोनों फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी की ओर और देखते हैं किस फोन की पिक्चर क्वालिटी आपको एक दूसरे से अमेजिंग देखने को मिलती है। दोस्तों ये है दोनों फ़ोन की आउटडोर पिक्चर क्वालिटी। अगर डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी F14 5G में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिल सकते हैं, जबकि F23 5G में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन की जो पिक्चर क्वालिटी है वह बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी। डिटेलिंग वगैरह सब कुछ आपको नॉर्मल क्वालिटी में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आउटडोर पिक्चर्स में
नॉर्मल क्वालिटी में तो आपको बिल्कुल दोनों फोन सिमिलर देखने को मिलते हैं, जबकि डायरेक्ट सनलाइट में आपको गैलेक्सी F14 5G में थोड़े शार्प कलर देखने को मिल सकते हैं। सेल्फी के मामले में मुझे गैलेक्सी F14 5G काफी अमेजिंग देखने को मिला है। डायनामिक रेंज हो या फिर स्क्रीन टोन हो, वह सब कुछ आपको गैलेक्सी F14 5G में काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहां इस पिक्चर्स में देख सकते हो। तो सेल्फी के मामले में मुझे गैलेक्सी F14 5G काफी अच्छा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी F23 5G, फिर चाहे वह नॉर्मल सेल्फी हो या फिर पोर्ट्रेट कंडीशन की सेल्फी। इसके अलावा लो लाइट कंडीशन में भी आपको गैलेक्सी F14 5G की पिक्चर्स ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी F23 5G। अगर दोस्तों दोनों फोन के कैमरा कंपैरिजन की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आउटडोर कंडीशन दोनों ही फोन की लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन सेल्फी एंड लो लाइट के मामले में आपको F14 5G की पिक्चर्स ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं वे आपको F23 5G में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो, फर्स्ट मोशन वीडियो के अलावा हाइपर लैप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि F14 5G में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी है वह आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैमरा फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर पिक्चर क्वालिटी। बैटरी की अगर बात करें तो गैलेक्सी F14 5G में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, तो वहीं F23 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोनों फ़ोन 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। बात करें अगर दोनों फ़ोन के स्टोरेज एंड प्राइसिंग की, तो दोस्तों दोनों फ़ोन का जो बेस वेरियंट है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, आपको दोनों ही फ़ोन लगभग 14000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ स्टोरेज एंड प्राइसिंग के मामले में भी कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों दोनों फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वह आपको दोनों फ़ोन के पावर बटन में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों दोनों फ़ोन के अगर बॉटम साइड की बात करें तो दोनों फ़ोन के बॉटम पर आपको स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक एंड 3.5mm जैक देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आपको लगभग दोनों फ़ोन सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था गैलेक्सी F14 5G एंड F23 5G के बीच एक फुल कंपैरिजन। अगर ओवरऑल दोनों फ़ोन की बात की जाए तो दोस्तों दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह ठीक है। किसी फ़ोन में आपको हार्डवेयर अच्छा मिलता है तो कहीं पर आपको डिजाइन अच्छी देखने को मिलती है। डिस्प्ले दोनों फ़ोन की आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगी। कैमरा की अगर बात की जाए तो पिक्चर क्वालिटी भी लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। सेल्फी एंड लो लाइट में आपको F14 5G अच्छा देखने को मिलता है, वहीं फीचर्स के मामले में आपको F23 5G अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों फ़ोन में से किस फ़ोन को प्रेफर करना चाहिए। मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी दोस्तों आपके पास इन दोनों फ़ोन के लिए कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।